हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य सर हियर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रीवियस के जो तीन पार्ट्स थे वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, तो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करूँगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। उसके लिए हमें यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं उस आइडेंटिटी को ही लिखना चाहता हूँ, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी यूज़ होगी, मतलब जो फॉर्मूला यूज़ होगा, वो होगा a प्लस बी का होल क्यूब। आपने इसी एक्सरसाइज में इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले का यूज़ भी किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपको खैर लर्न भी होगा। अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अच्छा मैं 3ab का अंदर भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 3a का मल्टीप्लाई a से तो हो जाएगा 3a इंटू a स्क्वायर b प्लस 3a तो एज इट इज़ रहा, b का मल्टीप्लाई b से b स्क्वायर। तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। अब आपको इस लाइन को, ये जो क्वेश्चन है आपका, आपको इस लाइन को ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करनी है। अब आप कैसे ब्रेक करेंगे, पहले मैं इसको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारा है 64a क्यूब। 64, आपको ये क्यूब एंड क्यूब रूट्स लर्न होने चाहिए। 64 का क्यूब रूट हमारा 4 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4a क्यूब प्लस, यहाँ पे माइनस का 27 है, तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, ये क्लास 8 में भी आपने पढ़े होंगे क्यूब प्लस। अब बात आती है 144a स्क्वायर b। इसको ब्रेक करने में कई सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं वहाँ इसे पहले क्लियर ज़्यादा करना चाहता हूँ। इसके लिए आप अपनी आइडेंटिटी में बढ़िए। आपकी आइडेंटिटी थी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस दिस, ये 3a स्क्वायर b। अब आप इस फॉर्म को देखिए, ये 144a स्क्वायर b, और ये भी फॉर्म वही है। तो आप इसी को थोड़ा सा ब्रेक करिए। कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, 3 एज इट इज़ रहेगा ये वाला इनटू। अब आपको ए स्क्वायर चाहिए, उससे पहले a चाहिए, वो कैसे मिलेगा, आप ऐसे कंपेयर करिए। देखिए यहाँ पे ए क्यूब को कंपेयर करिए 4a के क्यूब से, तो आपको क्या क्या वैल्यूज मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 4a, और b क्यूब को कंपेयर करिए -3b से, तो b की वैल्यू मिलेगी -3b। ये आपको वैल्यूज मिल गई। अब आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मतलब -3b। ये हो गया, आपने ब्रेक करके दिखा दिया, बस सिंपली इसको यहाँ पुट कर दीजिए। मैं कर देता हूँ, 3 × 4a स्क्वायर है याद रखिएगा, इंटू -3b। साइन का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो वैल्यूज लेते टाइम साइन को नहीं लेते, सीधा प्लस ही ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, पूरे क्वेश्चन को गलत कर जाता है। अब हम लोग 108ab² को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, इसकी फॉर्म देखिए, ab² और यहाँ पे भी ab², तो आपको इस पर फोकस करना है। इसको आप ब्रेक करेंगे, 3 तो यहाँ का एज इट इज़ रहा, a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 4a, और b² मतलब -3b का स्क्वायर। आपको यही तो पुट करना है, यहाँ पे कर दीजिए 3 × 4a × -3b। अब आप ध्यान से इस लाइन को देखिए, जो आपने इतनी लेंथी सी लाइन लिखी है, ये लाइन कौन सी फॉर्म की, ये लाइन ये वाली फॉर्म है देखिए, और ये वाली लाइन किसका फॉर्मूला है, ये वाली लाइन आपका इसका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब का। तो आप इसको फैक्टराइज करके ऐसे ही दिखाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a की वैल्यू 4a, b की वैल्यू -3b। ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका क्यूब निकल आया कैसे, 4a प्लस -3b का होल क्यूब। याद करिए हमारा फॉर्मूला ही ये था, a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ से आप कंपेयर करके देख सकते हैं इसको, a प्लस बी का होल क्यूब ऐसे। अब आप इसको 4a प्लस -3b का होल क्यूब इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये आपका वैसे फाइनल आंसर यही हो जाता है, लेकिन आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b को ही आप 3 टाइम्स लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, कुछ इस तरह से 4a माइनस 3b। तो ये भी आपका सही है। कुछ बुक्स में आपका ऐसा आंसर दे रखा होगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब, कुछ बुक्स में ऐसे 3 टाइम्स लिख के दे रखा होगा, तो दोनों ही आपके फाइनल आंसर है, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट इस तरह से क्लियर होता है। चलिए हम लोग अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 27p³ - 1/216 - 9/2p² + 1/4p। यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है, उससे पहले हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा। इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ,
इस आइडेंटिटी को आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, और अगर आपके पास अभी नोटबुक है तो उसे नोट भी कर लीजिएगा, वैसे आपके ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 3ab का अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का a से मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का b से मल्टीप्लाई होगा तो 3ab स्क्वायर। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब आपको इस लाइन को इस फॉर्म में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे, इसके लिए आप थोड़ा क्लास 8 की तरफ मुड़ेंगे तो आपको क्यूब एंड क्यूब रूट मिलेगा, उसका यूज़ करेंगे। 27p³, 27 का क्यूब रूट हमारा 3 होता है और ये पी क्यूब प्लस 1 का क्यूब रूट, तो वैसे भी आपका 1 ही रहेगा तो वो तो ये ऐसे ही रहेगा। 216 का क्यूब रूट आपका 6 होता है क्यूब। अब आपको 9/2p² को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे, वापस से अपने आइडेंटिटी पे आएंगे और यहाँ से पहले आप ab की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, कंपेयर कर लीजिए ए क्यूब और 3p³ को, इन दोनों कंपेयर कर लीजिए, आपको ए की वैल्यू मिलेगी 3p और b की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगी -1/6। ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, आपको ये वैल्यू है। अब आप लोग इस पर आएंगे 9/2p² मतलब कि 3a²b। आपको इस पर फोकस करना है, इसी को ब्रेक करने की कोशिश करिए। 3 तो एज इट इज रहा इंटू a² मतलब 3p² इंटू b मतलब -1/6। अब आपने यहाँ पे इसको ब्रेक करके दिखा दिया तो सिंपली आप इसी को यहाँ पुट कर दीजिए। वैसे अगर आप ना, आपको लग रहा हो कि शायद मेरे से यहाँ गलती हुई है तो आप इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा आपको यही आ जाएगा 9/2p² आप करके देखना चाहेंगे तो लीजिए। आप 3 से इसको 2 टाइम कैंसिल कर दीजिए, जैसे कि मैं इसको यहाँ करके दिखाता हूँ, 3p² इंटू 1/6, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल, 3p का स्क्वायर और बाहर यहाँ माइनस था तो -9p² / 2। देखिए वापस से ये दोनों आ गए, सेम आ गए ना, तो इसका मतलब आपका ये सही था। तब आप इसे यहाँ पुट कर दीजिए, प्लस 3 इंटू 3p² इंटू -1/6, ये आपने अब वैल्यू पुट कर दी। अब आपको क्या करना है, +1/4p को ब्रेक करना है और इसकी फॉर्म क्या है, ये वाली फॉर्म 3ab² वाली। तो मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको कैसे ब्रेक करेंगे। 3 तो एज इट इज रहा और a है, a की वैल्यू आपकी 3p है, लिख दीजिए, इंटू b² मतलब -1/6 का स्क्वायर। अब जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका 1/4p आ जाएगा। अब आप इसको सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिए, कैसे, जैसे कि प्लस 3 इंटू 3p इंटू -1/6 का स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश कीजिए और आप एक चीज़ पाएंगे, जो आपने इतनी लेंदी सी लाइन लिखी है अपने सॉल्यूशन में, ये लाइन इस फॉर्म में ही तो लिखी गई थी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको इस फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करनी है, और ये फॉर्म आपकी किस फॉर्मूले से आई है, इस फॉर्मूले से आई है, ए प्लस बी के होल क्यूब से। तो अब यहाँ पे आप ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब ए की वैल्यू 3p और बी की वैल्यू -1/6, ये दोनों यहाँ पुट करके दिखा दीजिए। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 3p प्लस -1/6 का होल क्यूब। तो यहाँ से आप -1/6 ब्रैकेट के बाहर ले आइए तो हो जाएगा 3p -1/6 का होल क्यूब। इसे आप 3 टाइम्स लिख दीजिए, 3 टाइम्स ये आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स, दोनों का मतलब सेम ही निकलता है, मीन 3p -1/6। तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, दोनों में से आप जो चाहें। तो इस तरह से आप ये फिफ्थ पार्ट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये आइडेंटिटी, ये ए प्लस बी क्यूब वाली और ये वाली। तो ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी चाहिए इसके, और इस क्वेश्चन की ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा टिपिकल सा लगता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।